सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं दो ऐसे स्टॉक्स जिनमें मुझे लगता है कि अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। सो गाइस, फटाफट हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, पर उससे पहले यार अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप भाई सब्सक्राइब कर सकते हो और ये ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक कर देना क्योंकि इससे मुझे बहुत ही हेल्प होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक भी कर सकते हो। तो हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं स्टॉक के बारे में। सो गाइस, ये जो हमारा पहला स्टॉक है, ये इसका जो सिंबल है वो है BEL, और अगर आप इस स्टॉक का नाम देखोगे तो वह है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करके, तो आप ये इसका नाम है, ये हमारा पहला स्टॉक होने वाला है। तो गाइस देखो, ये मेरा जो सिस्टम है वो मैंने लगा रखा है, इसके हिसाब से सब कुछ परफेक्ट है, यानी RSI भी ऊपर है, दोनों सुपर ट्रेंड बाय बोल चुके हैं, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। अगर जिनको नहीं पता है कि ये सुपर RSI मेरा क्या सिस्टम है, कैसे यूज करते हैं, सो गाइस बता दूं ये बहुत ही सिंपल है। अगर इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पे ये वाला जो वीडियो है ये आप देख सकते हो, और इसका लिंक भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा जिसपे आप देख सकते हो कि मेरा सिस्टम कैसे काम करता है। सो गाइस, अगर मैं इसके हिसाब से ही बता दूं फटाफट, सो गाइस देखो, इसके लिए बस ये देखना होता है कि जो हमारा RSI है वो 55 से ऊपर होना चाहिए, तो वो 55 से ऊपर है, वो 62 पे है, और वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, तो हमें वॉल्यूम भी अच्छा मिल रहा है, और दोनों सुपर ट्रेंड हमारे बाय बोलने चाहिए, तो दोनों ने बाय बोल रखा है और कैंडल भी अच्छी खासी है, तो हम चाहें तो इसमें एंट्री ले सकते हैं। सो गाइस, ये तो रहा कि अगर आप मेरा सेटअप यूज करते हो तब आप इस तरह से एंट्री इसमें कर सकते हो। अगर आप एक प्राइज एक्शन ट्रेडर हो तो अब मैं आपके लिए बता देता हूँ कि इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो हम इंडिकेटर्स को हाइड करते हैं और आप ये देख सकते हो कि इसमें हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। आप इस तरह से देख सकते हो कि एक बहुत ही बेहतरीन हमें ट्रायंगल पैटर्न सा दिख रहा है कि, और इसने एंट्री हमारा हो चुका है, यानी कि मंडे को खुलेगा तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। मैं अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए कि लेवल बता दूं तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। अभी हम इस स्टॉक को बाय करने वाले हैं 247 के ऊपर, अगर ये स्टॉक चला जाए तो हमें बाय करना है, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस केस में काफ़ी छोटा होगा, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके जस्ट नीचे, ये जो इसका नीचे वाला ये जो कैंडल है इससे थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, यानी इतना नीचे, तो हमारा ये जो स्टॉप लॉस का पॉइंट होगा वो होगा 230, यानी 230 पे स्टॉप लॉस होगा और 247 पे हमारी एंट्री होगा। सो गाइस, हम लोग प्रॉफिट बुक यहाँ करेंगे, ये जो इसका टॉप का लेवल है हम यहाँ अपना प्रॉफिट बुक करेंगे कहीं 260 पे, तो आप यहाँ अपना पहला प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यानी कि आप अगर मान लो 10 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी लिए हो तो आप उसमें से 25 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी यहाँ सेल कर सकते हो, और बाकी को लेके आप जब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो, जब तक वो बढ़ रहा आप मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठा सकते हो। सो गाइस, ये तो रहा हमारा पहला स्टॉक जिसमें आपको कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ दिख रहा है। सो गाइस, ये जो हमारा दूसरा स्टॉक है ये है सिप्ला लिमिटेड, आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो, और इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो गाइस देखो यार, इसमें भी एक ट्रायंगल पैटर्न ही बन रहा है, और क्योंकि इसमें मेरे को ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल रहा है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो बताता हूँ, क्योंकि आप इसको देख सकते हो, इसने पहली बार यहाँ आया, फिर रुका, फिर भागा है, फिर यहाँ रुका है, फिर यहाँ रुका है, फिर ऐसे बहुत टाइम तक ये रुकता आया है, फिर ये ऊपर की तरफ भागा है और यहाँ भी रुका है, यानी 7-8 बार ये यहीं से ऊपर गया है। पर अब हुआ क्या कि अब ये यहाँ नहीं आया, अब ये ऐसे ऊपर से ही ऊपर चला गया, और फिर दोबारा ये इस लेवल पर नहीं आया, ये यहीं रुक रहा है, ये कई बार यहीं रुका, अब इसके ब्रेकआउट करने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो गाइस देखो, ये मेरा सिंपल सा लॉजिक था, क्योंकि इसमें मेरे को ज़्यादा कन्फर्मेशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये पहले नीचे की तरफ टच कर रहा था, अब इसे इसका जो सपोर्ट जोन है वो थोड़ा ऊपर है, सपोर्ट का लेवल थोड़ा इसने ऊपर ही बना लिया है, तो इसलिए इसमें मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही कन्फर्मेशन है। पर इसे भी हमें वही ट्रेड करना है, वैसे ही ट्रेड करना है। अगर आपको लेवल चाहिए तो लेवल वही है कि आपका पहला स्टॉप लॉस यहाँ होगा, यानी अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो वो 920 रुपये पर होगा हमारा स्टॉप लॉस। अगर एंट्री की बात करें तो हमें एंट्री इसके ऊपर ही लेना है, पर ध्यान में ये रखना है, मैं पहले एंट्री का लेवल बता देता हूँ, तो एंट्री होगा 171 पे, ठीक है। और प्रॉफिट बुक करने के लिए यही जो इसका पहला टॉप है, हम अपना पहला प्रॉफिट यहीं बुक करेंगे, यानी तकरीबन 1087 या 1085 पे कहीं अपना हम प्रॉफिट बुक करेंगे। पर आपको ध्यान एक बात का रखना है कि आपको एंट्री तब लेना है जब इसमें एक बड़ा ग्रीन कलर का कैंडल बने, इस जगह पे आपको अगर एक कोई बड़ा ग्रीन कलर का कैंडल बनता है तब आपको एंट्री लेना है, और साथ में जो वॉल्यूम है वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो तब आपको इसमें एंट्री लेना है, क्योंकि एक कैंडल बना है पर ये
इसका वॉल्यूम कुछ खास नहीं है। और भाई देखो, एंट्री लेने के लिए स्विंग ट्रेड में हमें वॉल्यूम अच्छा चाहिए। वॉल्यूम मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा जब मैं अपना स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्योंकि यार मैं कोई भी स्टॉक में ट्रेड तभी लेता हूँ कोई भी स्विंग ट्रेड में जब तक मेरा जो सिस्टम है वो भी कन्फर्म कर दे और जो इस तरह से कोई प्राइज एक्शन का पैटर्न भी बन रहा हो तब मैं उस पर ट्रेड लेता हूँ। तो गाइस अगर मैं आप लोगों को फटाफट दिखा दूँ कि मेरा सिस्टम क्या बोल रहा है तो आप लोगों को डबल कन्फर्मेशन मिल जाएगा, और डबल कन्फर्मेशन मिलता है मैं तभी ही ट्रेड ही करता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ड्राइंग को हाइड कर देता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है, वही चीज़ है, सेम टू सेम वही जैसा मैंने पहला आपको दिखाया था कि हमारा फुलफिल हो रहा है, RSI 55 के ऊपर निकल चुका है और दोनों ही इंडिकेटर्स मतलब दोनों ही जो सुपर ट्रेंड है वो बाय बोल चुके हैं, पर कैंडल छोटी है और वॉल्यूम भी उतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मैं थोड़ा इसमें रुका हूँ कि जब तक इसमें एक अच्छा वॉल्यूम नहीं देखने को मिलेगा मैं इसमें एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। मुझे एंट्री लेने के लिए भाई वॉल्यूम ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा कोई एक बड़ा सा भी कैंडल मतलब वॉल्यूम का बन जाता है तो मैं इसमें एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे अगर ऐसा वॉल्यूम मिलता है तभी मैं इसमें एंट्री लेने वाला हूँ। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर कोई बड़ा वॉल्यूम मिले तब आप इसमें एंट्री ले सकते हो। सो गाइस यही तो मैंने चार्ट फाइंड आउट किए थे जो आपके एक से डेढ़ हफ्ते या 15 दिन 20 दिन के अंदर आपको 10 से 15% या 20% भी आपको प्रॉफिट कर सकते हैं। तो गाइस आप इसे ट्रेड करना, आई होप आपका ट्रेड सक्सेसफुल जाए, स्टॉप लॉस आपका हिट ना हो। सो गाइस इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर भाई वीडियो अच्छी लग जाए और ऐसी वीडियो पसंद है तो यार फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसी ही स्ट्रेटजीज के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन हो सकते हो, आपको ऐसी स्ट्रेटजीज वहाँ पर मिल जाती हैं। सो गाइस चलो यार फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।